हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रावत में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं आजकल अपने ससुराल आ रखी हूँ और मैं अभी हूँ इस छोटे से प्यारे से बच्चे के साथ। ये है हमारा डम्मी। ये सास जी और दीदी और ससुर जी सारे लोग कहीं जा रखे हैं, चावल लेने या गेहूं लेने कहीं तो जा रखे हैं। और मैं बच्चे के साथ अकेले थी तो सास जी ने बोला था कि रोटी कोई नहीं, बाद में बना लेंगे, बच्चे के साथ रहना। तो ये डमी थोड़ी देर छोड़ गया था तो मैंने रोटी बना ली और एक लास्ट रोटी रह गई थी तो मैंने कहा इसको गोद में बिठा के बना लूँगी। वैसे ये रोज आता है कभी कभी, लेकिन आज ये नहीं रो रहा। हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। ए दमी भाई, इतना छोटा है, अभी 6-7 महीने का, 6 महीने का शायद। फोन पे ऐसे देखता है, इसको नानी तेरी मोरनी के लगा लो अगर तो एकदम चुप हो जाता है। वैसे तो ये बेबी बॉय है लेकिन हम इस पे अपने सारे अरमान पूरे कर रहे हैं फ्रॉक व्रॉक पहना के। और फ्रॉक में ये बहुत क्यूट लग रहा। हमने प्लान कैंसिल किया खेत जाने का और हम गेहूं छांट रहे हैं, सास जी छांस बना रही है। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं खेत। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया कि हमारा प्लान डिले हो गया था, सुबह नहीं जा पाए, तो अभी हम शाम के 4 बजे जा रहे हैं। और एज़ यूज़ुअल यहाँ पे दीदी डराती की धार तेज कर रही है ताकि हम फटाफट काटें उनकी गर्दन, फटाफट घर आए इसकी गर्दन गेहूँ की। सब रिकॉर्ड हो रहा है उसमें, लोग बोलेंगे कैसी बहू है घर में। दोस्तों, हमारे पतियों ने हम दोनों को इतना ठगाया है कि यहाँ विकास होगा, 10 साल बाद यहाँ विकास होगा, लेकिन लेकिन विकास के नाम पे यहाँ जीरो है। बस गैर सैन के नाम पे हम दोनों को ठगा दिया गया है। हम पहुंच गए हैं खेत और ये हमारा आज तीसरा खेत है जहां मैं आ रही हूं। यहां का नाम है बसक बसबीर। बसबीर क्या क्या नाम है दीदी? बसबीर। हाँ वही, फर्स्ट दिन गई। तो चलिए दोस्तों, गेहूं की कटाई शुरू करते हैं। वाह, खेत कितने प्यारे आ रहे हैं यार। दोस्तों एक मिनट मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ, यहाँ से बहुत प्यारा आ रहा है। तो ये रहा नील खंसर गांव और ये है हमारा घर, ये, और वहाँ से यहाँ दिखता है, मतलब साफ तो नहीं दिखता पर थोड़ा थोड़ा दिखता है। और ये स्कूल है। दोस्तों जब हमारी शादी हुई थी और हम डोली से उतर के यहाँ आए थे तो दीदी कह रही है कि उनका हाथ अनाज के उसमें रखवाया था और मुझे ऐसा याद है कि मेरा जहाँ पैसे रखते हैं उस लॉकर में रखवाया था, तिजोरी में। और दीदी का अनाज में रखाया क्योंकि पंडित जी को पता चल गया था कि ये कामचोर बहू है, ये खेत वाला काम करेगी तो इससे अनाज आएगा और मैं लक्ष्मी वाली हूँ तो मुझसे लक्ष्मी आएगा। दोस्तों कितने तेज है पंडित जी, पर उन्होंने ऐसे क्यों किया होगा बता। आ पंडित भाग रहा कि मुझे शायद याद कम होगा क्योंकि मेरा भी शायद तभी तो इस साल हमारे गेहूं नहीं हो रखे। यही मतलब है दीदी का बोलने का, पता है तब से यही बोल रही कि हमारे गेहूं अच्छे नहीं हो रखे। पिछली बार पता है क्या, ये दीदी इतनी चालाक है। दीदी ने पहले मुझे पूछा, पहले बोल रही कि गेहूं अच्छे नहीं हो रखे, फिर बोल रही तेरा हाथ डलाया अनाज के उसमें। मैंने कहा मुझे याद नहीं पर इतना याद है मैंने शायद तिजोरी में हाथ रखा। मेरा हाथ रखा तो कितने अच्छे गेहूं हो रखे थे हमारे, हर किसी की नज़र हमारे गेहूं की थी। और इस बार अच्छे नहीं हो रखे, इस बार कामचोर बहू है ना, अगली बार देखते हैं फिर। कैसे आती है कुल्लू की। हमने काट लिया है इतने गेहूँ, ये वाले मैं लेके जाऊंगी और ये दीदी लेके जाएगी। और दीदी अभी घास भी बना रही है गाय के लिए, फिर हम जाएंगे घर। दोस्तों हमारे गेहूं को देख के सब यही बोल रहे हैं पूरे रास्ते में, इतने हरे गेहूं क्यों लेके आ गए। तो अब सास जी का रिएक्शन देखते हैं कि वो क्या बोलती हैं। ये जब से घर आ रखे इसने एक दिन भी सुबह उठ के चाय नहीं बनाई,
मैं देती हूँ उसको चाय बना के। मैं देते तो नहीं हो, मैं खुद आती हूँ किचन तक, इतना झूठ भी मत बोलो भैया देखेंगे। तो मैं चाय बना लेती हूँ, आलसी तब उड़ती है। नहीं दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, जब मैं पहले दिन आई तो मैंने सोचा था मैं सबको इम्प्रेस करूँगी और मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था। यहाँ सब लोग 5 बजे उठ गए थे, इसमें मेरी क्या गलती है। फिर दूसरे दिन सास जी ने कहीं जाना था तो मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया, ये सब लोग 4 बजे उठ गए, तो इसमें मेरी क्या गलती। तो ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं अपने पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब मैं 4 बजे का अलार्म लगाऊंगी तो ये लोग 3 बजे उठ जाएंगे। तो गाइस, इसको शर्म लाज कुछ नहीं है, हम चाय बना के दे रहे, ये पी रही। तो देखो ये नहीं दोस्तों, जब ये दीदी चाय बना और हम, तो मैं बर्तन धोती हूँ उस टाइम पे, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैंने नाच के उसमें हाथ भी लगाया था। मुझे तो ऐसे लग रहा मैंने तिजोरी में लगाया, तब भी नहीं हुआ हमारा गेहूँ। ये ऐसे बोल रही थी मुझे खेत में, तब भी नहीं हुआ। लगा तीर अतः ये लो कर बतौने हूँ। मुझे मैं नशे में थी दीदी, इतने दूर से यहाँ कैसे करके मैंने वो फोटोज खिंचाई। और मैंने बार गेहूँ के उसमें नहीं डाला, मैंने तिजोरी के उसमें हाथ लगाया। तभी सूखे हमारे गेहूँ, कहाँ सूखे ही तो नहीं है। चाय बना के दे, क्या क्या है, ऐसी होती है जेठानी। देखिए दोस्तों, देख लिया आपने, ऐसी करते हैं ये मेरे साथ, बहुत अत्याचार अत्याचार हो रहा। तू तो यहाँ खाना भी नहीं खाई, तो शुगर मना। पानी लेके आ, जल्दी उठ, चाय बना, खाना बना। नहीं मैं आके वहीं में रही हूँ, हरम कर मुट्ठी बना। साजी पहले सोची होगी, बोलू नहीं बोलू, मैं नहीं बोल रही इनको काटने के लिए। इसको समझ अब निकल ही गया मुझसे। ओए चाय कौन है, हम अपने मर्जी से ला, वही रह क्या चिपका क्या। हमने जाते ही फोन नहीं किया, मैं फोन घर ही छोड़ के नहीं गई ना वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, और यहाँ गांव में हम लोग जल्दी खाना बना लेते हैं, और आग ससुर जी ने जलाई है, और रात का खाना शाम का खाना हमारा चूल्हे पे बनता है, सुबह का खाना भी हमारा चूल्हे पे बनता है, दिन का खाना हमारा गैस पे बनता है। और जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं भी गैस पे बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे चूल्हे पे नहीं बनती है। और दीदी बनाएगी अभी चाय शायद, और दीदी मेरे लिए लेके आई है चिप्स। हमारी दादी आ गई है, ये वाला तो अच्छा कर रहा है दादी ने। हाँ कितने हमारी दादी का वो देखो ना, कितना मॉडर्न बन रखा, मॉडर्न ड्रेस, लाखों की ड्रेस बना रखी दादी ने। मैं खुद जब मैंने पहले दिन देखा, मैंने कहा दादी ने कहाँ से सीखा ऐसे मॉडर्न ड्रेस बनाना। देख रहा कि सबको देख रहा है, कल भूख है ना, मुझे भी देख रहा थे। जुड़ भी तो नीचे, बाप रे मुंह देखो ना उसका।